सम्मान किया है, मेरे सभी साथियों का मान सम्मान किया है। बीएसपी और इनेलो गठबंधन के सभी नेता यहाँ पे आए हैं, ट्रैक्टरों से, मोटरसाइकिलों से, सभी नौजवानों ने फूल मालाओं से बहुत जबरदस्त स्वागत किया है। मैं जोनावास गांव का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ में गांव ने मेरे को विश्वास दिलाया है कि अब की बार पूरा गाँव आपके साथ रहेगा, तो पूरे गाँव का मान सम्मान, पूरे गाँव का जो आशीर्वाद मेरे साथ है और ये आशीर्वाद लेकर के मैं जा रहा हूँ। अब की बार महेंद्रगढ़ में एक लहर चली कि जितने भी आदमी चुनाव लड़ रहे हैं इसमें सुरेंद्र कौशिक सबसे बड़ी आदमी है। जिला प्रमुख रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। मैं सभी से एक मेरी अपील भी है कि जिस प्रकार से जिला प्रमुख रहते हुए मैंने काम किए थे, एमएलए बन के अब की बार महेंद्रगढ़ की तकदीर बदलनी है। लोग, हर आदमी एक ही बात चाहता है कि महेंद्रगढ़ में बदलाव करना है और बदलाव की उस जगह पे मेरा नाम सबसे आगे आता है। और जोनावास गांव ने, आप मेरे सभी साथियों ने, मेरे सभी नौजवान साथी मनोज वगैरह सब खड़े हैं, हमारे हल्का के प्रधान हैं बीएसपी के सतबीर जी, वो भी यहां पे हैं, सभी नेता यहां पे हैं, पूरा गांव यहां पे है, पूरे गांव ने मान सम्मान किया। मैं दोबारा से धन्यवाद करते हुए, और आज इन लोगों ने मेरा ऐसा माहौल बनाया है कि मैं चुनाव जीता हुआ हूँ और मैं जोनावास गांव से आज जीत करके जा रहा हूँ। इनेलो बीएसपी गठबंधन ने अभी कुछ टिकट्स भी जो है वो घोषित कर दी है। अभी 4 सीट इनेलो ने घोषित की है, 4 सीट बीएसपी ने घोषित की है, और मेरी सीट हरियाणा में सबसे पहले 2 महीने पहले डिक्लेयर हुई थी। मैं एक पहला उम्मीदवार ऐसा हूँ जिसकी टिकट हरियाणा में सबसे पहले 2 महीने पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला ने और हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने मेरी घोषित की। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी अभी तक घोषित नहीं कर पाई, वो घोषित करें या ना करें, मैं मेरी टिकट लेकर के मैं मेरे अपनों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, नौजवानों के बीच में मैं घूम रहा हूँ, मेरे लोग साथ हैं, वो तो घोषित ना करें तो बढ़िया है। आप जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं? मैं जनसंपर्क अभियान में सुबह 7 बजे से लगता हूँ, रात 12 बजे तक जनसंपर्क अभियान में रहता हूँ। हर आदमी को मैं जानता हूँ, हर आदमी मेरे को जानता है, मेरा सबसे पारिवारिक रिश्ता है और गांव-गांव में मेरी हर आदमी से बैठा उठी है, मैं अपनों से मिलने के लिए लगा। इनेलो बीएसपी का गठबंधन किस प्रकार से? इनेलो बीएसपी का गठबंधन एक मजबूत जोड़ है और अब की बार ये जोड़ सरकार बनाएगा, और सरकार बनाएगा जब हम बताएंगे कि काम कैसे होते हैं। झूठ की दुकान नहीं है, सच की दुकान है। जो आज तक हमने कहा है वो हमने किया है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद।